सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशियन माइंड्स अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गाड़ी जो 2019 की जेनेवा ऑटो शो जो करीब हुआ था मार्च के मंथ में, उससे उसके बाद ही हाईलाइट में आ चुकी है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। और ये गाड़ी है टाटा की तरफ से प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज। तो ये गाड़ी कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, आप कह सकते हैं रिवील हुआ है, मतलब आप बुकिंग अभी कर सकते हैं गाड़ी का, लेकिन जो डिलीवरी होगा वो आपको मिलेगा 2020 की फेब्रुआरी मंथ से। तो आज बात करेंगे इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स है जो टाटा ने इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे फीचर्स भी आपको दिखने को मिलेगी जो इस कैटेगरी में, इस रेंज में पहली बार कोई एक गाड़ी आपको दे रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन से लेके इसकी इंजन को लेके और भी चीज़ों के बारे में। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक्स और डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे ये गाड़ी बेस्ड है टाटा की अल्फा आर्किटेक्चर में। अल्फा आर्किटेक्चर टाटा का एक न्यू बिल्ड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है जिसमें वो लोग आगे आने वाली गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। तो अल्फा का अगर पूरा नाम हम बताएं तो वो है ए फॉर एजाइल, एल फॉर लाइटवेट, एफ़ फॉर फ्लेक्सिबल और आखिरी में ए फॉर एडवांस। तो यहाँ पे टाटा ये बताना चाहती है आपको कि इनका जो ये डिज़ाइन है, ये आर्किटेक्चर है, इसमें वो लोग बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन सब कुछ इसी गाड़ी में, इसी डिज़ाइन में फिट कर सकते हैं। और साथ में इसी डिज़ाइन को लेके वो लोग एक हैचबैक डिज़ाइन कर सकते, एक सेडान डिज़ाइन कर सकते या फिर एक एसयूवी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, या फिर शायद आप लोग अभी देख रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सेम ही डिज़ाइन को, सेम चेसी को यूज़ करके वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जो आउटकम है वो लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे इस डिज़ाइन का और एक खासियत है कि यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और लेग रूम भी मिल जाता है, और साथ में सेफ्टी को भी प्रायोरिटी में रखा है इस डिज़ाइन में। तो सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी लाइट वेट भी है और साथ में आपको बहुत ही अच्छा सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रही है। और आप इसका जो लुक्स है वो स्क्रीन में देख सकते हैं। गाड़ी का जो लुक है वो नियर अबाउट टाटा टियागो जैसा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आपको दिखने को मिलेगी। जो मस्कुलर शेप है वो इस गाड़ी में दिखने को मिल रही है हमें, और इसका जो कलर्स है वो भी यहाँ पे आपको पांच डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगी। वो है, एक है इनका जो प्रीमियम कलर, वो है गोल्ड, सिल्वर, वाइट, ग्रे और रेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी इसकी जो इंजन है उसके बारे में। तो इंजन में यहाँ पे आपको अभी दो ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन टाटा और एक ऑप्शन भी यहाँ पे इंक्लूड करेगी। तो ऑप्शन से यहाँ पे 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन, उसके बाद 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन, और एक ऑप्शन है आपके पास वो है 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो ये तीनों जो इंजन है वो इंजन लिया गया है टाटा के पुराने गाड़ियों से, जैसे कि 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है वो लिया गया टाटा टियागो से, और बाकी जो दोनों इंजन है वो लिया गया टाटा निक्सॉन से। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो अभी आपको बस मैनुअल 5-स्पीड ट्रांसमिशन दिखने को मिलेगी, लेकिन टाटा ने ये कन्फर्म किया है कि आगे आने वाली कुछ महीनों में लाइक 2020 की मिड के बाद आपको यहाँ पे ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन भी दिखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कोई AMT ट्रांसमिशन दिखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टाटा ये कहती है कि AMT ट्रांसमिशन प्रीमियम कैटेगरी की हैचबैक के लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके लिए चाहिए उनको ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके उनकी नाम लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, साथ में आपको मिलेगा 7-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, वॉइस अलर्ट सिस्टम, आइडियल स्टार्ट स्टॉप फीचर, और आपको यहाँ पे मिलेगा रियर पार्किंग सेंसर, दो एयरबैग्स फ्रंट में, और साथ में ABS विद EBD स्टैंडर्ड, मतलब सारे जो वेरिएंट हैं इनके हर एक वेरिएंट में आपको ये चीज़ें, तीनों चीज़ें दिखने को मिलेगी। तो ये एक सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए। तो अभी और एक चीज़ इस गाड़ी को प्रीमियम बनाती है, वो है सेल्फ कस्टमाइजेशन। इसका मतलब, वैसे तो ये गाड़ी करीब
चार या पांच वेरिएंट में लॉन्च होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप खुद से ये जो फीचर्स है इनको पिक करके आपकी गाड़ी को कस्टमाइज़ कर सकते हो ऑर्डर करने से पहले। तो इससे क्या होगा, कुछ कुछ ऐसे फीचर होगा कि आपको ज़रूरत है लेकिन वो हायर वेरिएंट में मिल रहा है, और कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कि हायर वेरिएंट में अवेलेबल है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप अपने चूज़ किए गए फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे और इससे आपका जो प्राइस है ओवरऑल प्राइस वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ऐसे रेंज में जो गाड़ी आएगी, ये करीब 5.5 लाख से लेके 8.5 लाख की रेंज में इसके अंदर ऐसे फीचर्स को लाना, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि आगे आने वाली सालों में और भी जो कार मैन्युफैक्चरर है वो भी ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करे कस्टमर्स को। तो ये सब फीचर्स थी इस गाड़ी का। आगे आने वाली सालों में टाटा और भी बहुत सारे अल्फा प्लेटफॉर्म में बनी गई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगी, मतलब आपको दिखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर और बहुत ही अच्छा लुक्स टाटा की तरफ से। और यहाँ पे आपको और एक न्यूज़ बता दूँ कि ये गाड़ी को आप बुक कर सकते हैं 21,000 दे के टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से, और गाड़ी का जो डिलीवरी होगा वो मैंने पहले भी बताया, वो आपको 2020 में फेब्रुआरी की मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी भरे वीडियोज़ देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ विद ओशियन माइंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बी कनेक्टेड। आई हैव यू नाउ।